हेलो फ्रेंड्स, आप सबका यह चैनल में स्वागत है। आज हम गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर के कुछ प्रसिद्ध देखने लायक जगह की सैर करेंगे। अहमदाबाद भारत देश का सर्वप्रथम वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, तो आइए इस सैर की शुरुआत हम महात्मा गांधी जी के साबरमती आश्रम से करेंगे। गांधी आश्रम या साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने सन 1915 में की थी। साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे बसाया गया है। आश्रम के प्रवेश द्वार निकट ही आप गांधी जी के जीवन पर एक प्रदर्शनी देख पाएंगे। गांधी जी और उनके धर्मपत्नी कस्तूरबा ने इस आश्रम के हृदय कुंज में करीब 12 वर्ष तक निवास किया। गांधी जी ने अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विद्रोह की शुरुआत और स्वतंत्रता के संग्राम की शुरुआत भी यहीं से की थी। गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा भी यहां से शुरू की थी। साबरमती नदी के किनारे गांधी जी हर रोज प्रार्थना सभा आयोजित करते थे। चलिए हम गांधी आश्रम में कुछ समय बिताएं। अब हम अहमदाबाद के आस्टोडिया दरवाजे के निकट रानी सिपरी मस्जिद पर आ पहुंचे हैं। अहमदाबाद शहर में कई मस्जिदें हैं, पर यह मस्जिद अपनी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है।
इस मस्जिद का निर्माण करीब 500 वर्ष पूर्व गुजरात के 7वें सुल्तान महमूद बेगड़ा ने की थी। उनकी बेगम सिप्री के नाम पर यह मस्जिद का निर्माण हुआ था। अपनी बारीक नक्काशी के लिए यह मस्जिद को मस्जिद नगीना की तरह भी जाना जाता है। अब हम हटी सिंह जैन मंदिर आ पहुंचे हैं। यह जैन मंदिर दिल्ली दरवाजा से शाहीबाग के मुख्य मार्ग पर स्थित है। हटी सिंह जैन मंदिर 15वें जैन तीर्थंकर धर्मनाथ को समर्पित है। अहमदाबाद के एक व्यवसायी सेठ हटी सिंह द्वारा दान 10 लाख रुपयों की लागत से बनाया गया है। इसका निर्माण सन 1848 में हुआ था। इसे सफेद पत्थर से बनाया गया है, जो सलत समुदाय के लिए एक उत्कृष्ट शिल्प कौशल का नमूना है। मुख्य मंदिर पूर्व में स्थित है और इसमें 52 जैन तीर्थंकरों के छोटे मंदिर हैं। इस मंदिर के मुख्य द्वार के सामने कीर्ति स्तंभ एवं सम्मान स्तंभ बने हैं। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसीलिए हम आपको मंदिर के अंदर के दृश्य नहीं दिखा पा रहे हैं, किंतु मंदिर के अंदर की नक्काशी खूब प्रभावित कर देने वाली है। और अब हम शहर से 7 किलोमीटर दूर मकरबाग गांव के सरखेज रोजा पर आ गए हैं। यह एक खूबसूरत और पौराणिक इमारतों में से एक है। सुल्तान अहमद शाह, जिनके नाम पर से शहर का नाम पड़ा, उनके शासनकाल के दौरान सरखेज अहमदाबाद के पास का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक मुस्लिम पीर शेख अहमद गंजबख्श रहते थे। उस समय दौरान सरखेज सूफी संस्कृति का एक अग्रणी केंद्र माना जाता था। इस सूफी संत का 111 साल की आयु भोगने के बाद देहांत हुआ। उनकी याद में सुल्तान ने एक मकबरा बनवाया। 15वीं शताब्दी में महमूद बेगड़ा ने इस मकबरे के पास एक महल और बीच में एक झील का निर्माण करवाया। इस इमारत की विशेषता यह है कि यह इस्लामी तरीके से बनी गई है और इसमें हिंदू और जैन शैली का मिश्रण भी देखने को मिलता है। आइए हम यह परिसर की परिक्रमा करें और उसके स्थापत्य संस्कृति के समन्वय को देखें। वाकई यह जगह खूब शांति और सुकूनदायी है। अभी हम शहर के मध्य के 3 दरवाजे के पास आ गए हैं। 3 दरवाजा अहमदाबाद नगर के भद्रक के किले का प्रवेश द्वार है। अहमदाबाद महानगर निगम के चिन्ह में इस प्रवेश द्वार का समावेश किया गया है। यह एक मार्केट प्लेस भी है। अब हम
तीन दरवाजे के निकट ही शाही जुमा मस्जिद पर पहुंचे हैं। शाही जुमा मस्जिद केंद्रीय बाजार में स्थित है। यह मस्जिद करीबन 600 साल पुरानी है। जुमा मस्जिद शहर में पाए जाने वाले बेहतरीन वास्तुशिल्प नमूनों में से एक है। जुमा मस्जिद अहमद शाह बादशाह के शासनकाल दरमियान 15वीं सदी में बनाई गई थी। माना जाता है कि यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद थी। यह मस्जिद लाल पत्थरों और संगमरमर की बनी हुई है। मस्जिद के पूर्व की ओर अहमद शाह, उनके पुत्र और पौत्र की कब्रें हैं, जिसे अहमद शाह रोजा भी कहते हैं। उनके नजदीक ही उनकी पत्नियों की भी कब्रें हैं, जिन्हें हम रानी का हजीरा कहते हैं। आइए इस बेनमून जुमा मस्जिद को पूरी तरह देखें। हम भद्रकाली मंदिर की ओर जा रहे हैं। भद्रकाली मंदिर अहमदाबाद का सबसे पुराना मंदिर कहलाया जाता है। वह भद्रक किले की अंदर और शहर के मध्य में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ इसकी जानकारी नहीं है, किंतु इस मंदिर का अस्तित्व कुछ 800 साल से भी पुराना है। भद्रकाली माता को समर्पित यह मंदिर है और वह शहर के नगर देवी कहलाते हैं। तो आइए हम इस मंदिर के दर्शन करें। हम जो देख रहे हैं वो अहमदाबाद का एकमात्र किला, जिसे भद्रका किला कहते हैं। भद्रका किला सन 1411 में सुल्तान अहमद शाह ने बनवाया था। किले में कई मंदिर, मस्जिद, महल और संरचनाएं थी। अब हम अहमदाबाद के लाल दरवाजा एरिया स्थित सीदी सैयद की मस्जिद या जाली के निकट आ गए हैं। इस मस्जिद की जालियां इसे विश्व भर में मशहूर करती है। एक दूसरे से लिपटी शाखाओं वाले पेड़ को दिखाती ये नक्काशी एक पत्थर से ही तैयार की गई है। इस मस्जिद को सन 1573 में बनवाया गया था और यह अहमदाबाद में मुगल काल के दौरान बनी आखिरी मस्जिद है। मस्जिद के पश्चिमी ओर की खिड़कियों पर पत्थर पर बनी जाली का काम जो विश्व प्रसिद्ध है, यह शिल्प कौशल्य की विशिष्टता को दर्शाता है। इसका निर्माण सीदी सैयद ने करवाया था और वह सुल्तान के सेना के सेनापति थे। वह खूब दरिया दिल थे। सुल्तान के साथ बड़ी संख्या में लोग उनको भी चाहते थे। इस मस्जिद की बनावट अद्भुत है। कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे और उनकी धर्मपत्नी ने यह मस्जिद की मुलाकात ली थी। मस्जिद के बाहर निकलकर पीछे की ओर जाकर तस्वीरें लेनी चाहिए। भारतीय प्रबंध संस्थान IIM अहमदाबाद के लोगों में भी सीदी सैयद की जाली प्रदर्शित है।
हम आए हैं अहमदाबाद के प्रख्यात झूलते मीनार पर। झूलते मीनारे दो हिलती मीनारों का एक जोड़ा है। इनमें से एक सिदी बसीर मस्जिद के विपरीत सारंगपुर दरवाजा में स्थित और दूसरी कालूपुर रेलवे स्टेशन के पास की बीवीजी मस्जिद। इस मस्जिद की स्थापना अहमदाबाद शहर बनाने वाले सुल्तान अहमद शाह ने अपनी मां की याद में बनाई थी। इस जोड़ी वाली मीनारों की खास बात यह है कि जब एक मीनार को कुछ खास तरीके से हिलाने पर थोड़ी देर में दूसरी मीनार भी हिलने लगती है। पत्थर की नक्काशी से बनी गई यह मस्जिद और मीनारे खूब लाजवाब है। इस मीनारों के हिलने का कारण आज तक पता नहीं चला है। ब्रिटिशरों ने कुछ हिस्सा नष्ट कर दिया था जो आज तक सही नहीं किया जा सका। अभी यह मीनारों पर पर्यटकों को चढ़ना मना है, लेकिन आज दिन तक यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कुछ समय पहले भूकंप में भी इस इमारत को काफी नुकसान हुआ था। अगर आप अहमदाबाद आते हो तो इस झूलते मीनार की जरूर मुलाकात लेना। हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इसे लाइक और शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट रखिए, और अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।